हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो हमारा रेगुलर मेथड है, जिस तरीके से अभी तक हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करते आए, एक तो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा है क्या, एक थोड़ा सा शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में। तो पहले एक एक करके दोनों मैथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ईजी वाला मैथड देखते हैं क्या है। तो ये a अपॉन एक्स माइनस बी, इस 2 को उठा के हम अगर इधर ले आएंगे और 2 को ला के हम इधर क्या बांट देते हैं ऐसे, माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये 2 उठ के इधर आ गया, तो इधर आके वो क्या हो गया, माइनस टू, और माइनस टू को हम ब्रेक करके माइनस वन यहाँ और माइनस वन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पूरे टर्म में हम यहाँ एलसीएम लेंगे और इस जगह एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी, और ये हो गया बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, और ये हो गया बी, सॉरी बीच में यहाँ पे प्लस का साइन छूट गया, प्लस यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा b माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ भी a प्लस बी माइनस एक्स, तो दोनों ही टर्म में ये न्यूमरेटर वाला पार्ट मैच कर रहा है, तो इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो ये आ गया a प्लस बी माइनस एक्स, और कॉमन निकालते वक्त हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या बच गया, वन अपॉन एक्स माइनस बी बच गया, बीच में प्लस का साइन, और ये न्यूमरेटर बाहर आ गया, तो ये बच गया वन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं, तो एक तो आ गया ए प्लस बी माइनस एक्स एक ब्रैकेट में आ गया, और ये दूसरे ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फिर एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए और x माइनस बी, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से जाके, तो यहाँ पे आ गया x माइनस ए, बीच में प्लस का साइन, ये x माइनस बी इधर वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। फिर यहाँ पे बच गया a प्लस बी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x प्लस एक्स, टू एक्स माइनस ए माइनस बी, और ये जो है नीचे x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे हम, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको इधर राइट साइड भेज देंगे जीरो के पास, ये खत्म हो जाएगा जाके, तो बच जाएगा सिर्फ क्या, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू टू एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब दो ब्रैकेट आ गया, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जीरो, तो इंडिविजुअली दोनों ब्रैकेट को जीरो से इक्वेट कर देंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और ये हो गया टू एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ से x को उधर भेज देंगे हम लोग, तो ये आ गया a प्लस बी इक्वल टू एक्स, ये x का वैल्यू मिल गया हमें a प्लस बी, और ये हो गया 2x इक्वल टू ए, और b दोनों को उधर भेजेंगे तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ से 2 को भी हटा देंगे तो x इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। तो x का एक तो वैल्यू आ गया a प्लस बी, और एक वैल्यू आ गया a प्लस बी बाई टू। तो इसमें क्या हुआ, काफ़ी कम स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ यहाँ पे क्या किया हमने, 2 को उठा के लेफ्ट साइड, 2 को लेफ्ट साइड ले आए और 2 को ब्रेक कर दिए माइनस वन और माइनस वन में। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। और अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं दूसरे तरीके से, जो हमारा ओरिजिनल मेथड है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने जिस मेथड से सॉल्व किया इसको भी उसी तरीके से करते हैं, रीअरेंज करके इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं पहले, तो ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेकंड वाले मेथड से। तो सेकंड मेथड क्या है हमारा, रेगुलर मेथड, जिस तरीके से सारे क्वेश्चन को करते हैं, ये x माइनस ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे का एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम आ गया x माइनस ए और x माइनस बी, ये x माइनस ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, यहाँ पे आ गया x माइनस ए, बीच में प्लस का साइन, b, और ये x माइनस बी इधर चला गया इक्वल टू टू, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट को भी इधर भेज देंगे 2 के पास और मल्टीप्लाई करके भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, दो काम एक साथ कर लिए हमने, एक स्टेप बचा लिए।
अब ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2 से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। ठीक है, अब सारे टर्म को एक तरफ ले आएंगे, तो पहले ये वाला टर्म हम लिख लेते हैं इधर में, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 इधर बड़ा है और यहाँ पे तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को पहले हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab और ये पूरा उधर भेज रहे हैं हम इस पूरे को, तो ये ax उधर जाके माइनस ए एक्स, ये बी एक्स उधर जाके माइनस बी एक्स, माइनस ए स्क्वायर उधर जाके प्लस ए स्क्वायर और ये बन गया प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या होगा यहाँ पे, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स और माइनस ए एक्स, ये बन गया माइनस टू बी एक्स और माइनस बी एक्स, ये बन जाएगा माइनस थ्री बी एक्स और माइनस टू एक्स माइनस ए एक्स, ये बन गया माइनस थ्री ए एक्स माइनस थ्री बी एक्स। ठीक है, और क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का टर्म बचा हुआ है इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हो गया, तो इस पूरे को हम इरेज करके यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी है, तो इस पूरे के बदले में यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों टर्म एक्स कॉमन आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3b बाहर आ गया, a प्लस बी और x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा आ गया, रीअरेंज करते करते ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो हमें लाना क्या है, टारगेट क्या है, ये 2 और ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा टारगेट है 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी एक्स माइनस वन ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। क्या किया हमने, यहाँ पे माइनस थ्री लिखा हुआ था तो इसको माइनस टू और माइनस वन में बांट लिए, ताकि क्या होगा दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, टू ब्रैकेट ए प्लस बी और वन ब्रैकेट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और टू इंटू वन बन जाएगा टू। ठीक है, तो इस बार यहाँ पे जैसे हमने पिछला कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक का आसपास का क्वेश्चन था, उसको हम क्या करते थे, कॉन्स्टेंट के हेल्प से ब्रेक करते थे, लेकिन इस वाले केस में कांस्टेंट के हेल्प से ये ब्रेक नहीं होगा, तो फिर हिट एंड ट्रायल से हम इसको सोचेंगे दो टर्म ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, 2x कॉमन आ गया, तो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे पता नहीं नीचे दिख रहा होगा कि नहीं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इन दोनों टर्म में 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे सिर्फ x बच गया, बीच में माइनस का साइन, 2 और x बाहर आ गया, तो बच जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों टर्म में a प्लस बी बाहर आ गया माइनस a प्लस बी, तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो x बच जाएगा, बीच में ये जो प्लस का साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और a प्लस बी यहाँ पे दो बार है, एक बार बाहर निकाल लिए तो एक बार बच जाएगा a प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब क्या है, ये पूरा पूरा ब्रैकेट मैच हो गया, तो हम ये लिख लेंगे x माइनस ए प्लस बी, ये पूरा आ गया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, फिर हो गया x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, ये पूरा ब्रैकेट इक्वल टू ज़ीरो, और ये पूरा ब्रैकेट 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया a प्लस बी, ये पूरा उठ के उधर चला जाएगा, और ये हो गया 2x इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ से 2 हटाएंगे तो x इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, तो जो पिछले मेथड से आया था वही इस मेथड से भी आ गया, x इक्वल टू ए प्लस बी और x इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया दोनों मेथड से।